इस ओवर में शायद बल्ला चला संदेश ठाकुर का, तो रन में रन रेट में सुधार आएगा। एक धारगल टीम को पीछे पीछे ढकेल देगी जो कि दाभोलकर पैंथर्स टीम। पहले अगर एक ग्रुप की बात की जाए तो पहले पायदान के ऊपर है आरवी कोरगांव पहले नंबर के ऊपर, दूसरे नंबर के लिए परशु हरमल टीम, और अभी दो टीमों का फैसला होना बाकी है। लेकिन फिलहाल इस मैच को देखा जाए तो 10 गेंदे बाकी, 10 गेंदों में 23 रन अगर बना लेती है दाभोलकर पैंथर्स की टीम तो उनका रन रेट सुधार जाएगा और साथ साथ एक धारगल को वो पीछे ढकेल देंगे। फुल टाइम डिलीवरी इस बार खेलना चाह, लेकिन आई नहीं गेंद बल्ले के ऊपर, पूरी तरह मौका था जरूर, शायद दोंड तड़स करेगा अनुभवी गेंदबाज है, जानते हैं इस मैच में शायद वापसी करनी है तो गेंदबाजी इस तरह की करनी पड़ेगी। फिर एक बार अच्छी गेंद, शानदार गेंदबाजी दोंड तड़स करके, बेहतरीन गेंदबाजी। 47 उम्र है इनकी, लेकिन क्या उम्र खेल दिखा रहे हैं मैदान के ऊपर। संदेश फिर एक बार, इस बार बेहतर स्ट्रोक, लेकिन लगातार है तीसरी गेंद मैडम, क्या बेहतरीन गेंदबाजी। फिर एक बार इस बार खेल दिया, फिर एक बार वहां पर समर्थक मौजूद, दूर में क्या गजब की गेंदबाजी, चार गेंदे यहां पर लाजवाब डाली है। इस बार गेंद को भेज दिया वन बाउंस सीमा रेखा पर, चार रन के लिए 54 के साथ अब टोटल में जो के आगे बढ़ता हुआ 54 रन। लेकिन इस ओवर की तारीफ करनी पड़ेगी, 5 गेंद में मात्र 4 रन दिए हैं दोंडू तोस्कर ने। फिर एक बार, इस बार हवा में गेंद सीधे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर 6 रन के लिए, और इस 6 रन के साथ टोटल पहुंचा अब 60 रन के लिए। आखिरी दो गेंदों के ऊपर दो बड़े शॉट निकले संदेश ठाकुर के बल्ले से, अब 4 गेंदे जो कि रन रेट में सुधार लाने के लिए, 4 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता है। रन रेट में सुधार लाने के लिए, आगे जाने के लिए उन्हें 4 गेंदों में 13 रन बनाने पड़ेंगे। चार गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता, और गेंदबाजी के लिए हनुमान, फुल टॉस डिलीवरी इस बार खेलते हैं, गेंद जा रही है सीमा रेखा पर, 4 रन के लिए विश्व के बल्ले से निकल रहा एक शानदार चौका। अब 3 गेंदों में 9 रन बनाने पड़ेंगे उनको। रन रेट सुधार के लिए ये मुकाबला, इस 3 गेंदों में 9 रन बनाने पड़ेंगे उनको। इस बार पैर से टकराई, शायद अपील की थी लेकिन अंपायर ने कहा शायद लेग स्टंप के बाहर जा रही थी गेंद, लेग स्टंप को मिस कर रही थी, लेग बाइज का इशारा, सिग्नल अब पहुंचा, टोटल अब पहुंची जो कि 65 रन, 2 गेंदों में 8 रन की आवश्यकता। रन रेट
टॉप टॉप वाला है, रन रेट दूसरे टीम ला पार्टी मांगे टाकती है। दो गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता, क्या मैच है, क्या मुकाबला है। ये वाइड गेंद, ये वाइड बॉल, शायद ऑफ स्टंप से गेंदबाजी करना चाह रहे हैं, संदेश ठाकुर को रोकना चाह रहे हैं लेग साइड से गेंदबाजी करने से, लेकिन ये वाइड कर बैठे। दोनों गेंदों में अब 7 रन की आवश्यकता। इस बार हवा में जरूर है, गेंद के पीछे खिलाड़ी शायद निकलेंगे दूसरे रन के लिए, शायद यहां पर देखना है, फिलहाल तो यहां पर 2 रन पूरे कर दिए। आखिरी गेंद में 5 रन बनाने पड़ेंगे, यानी कि एक छक्का उनको लगाना पड़ेगा। एक गेंद में 5 रनों की आवश्यकता, ये बड़ा शॉट होना निकलना चाहिए। ओह, इस बार बल्ले को लगी गेंद और विकेट कीपर के हाथ में और आउट। चवालीस रन बनाकर आउट होकर पहले वापस, एक शानदार बारी संदेश ठाकुर की, बेहतरीन बल्लेबाजी, 44 रन बनाए बल्लेबाजी से। मुन्ना दाबोलकर अब मैदान के अंदर जाते हुए, देखना है मुन्ना दाबोलकर क्या कर पाते हैं, शायद बड़ा शॉट इनके बल्ले से निकलेगा। शायद बात बनेगी, अच्छी गेंदबाजी, रिवर्स अटेम्प्ट करना चाह रहे थे।
अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंग की गेंद यहाँ पर, और ये डायर डायरेक्ट, और मुन्ना दाबोलकर आउट। पांच गेंदे और तीन रन की आवश्यकता, पांच गेंदे तीन रन। तीन रनों के और आवश्यकता है और विष्णु तुळसकर स्ट्राइक के ऊपर। नया बल्लेबाज सुदेश, और इस चौवे के साथ मुकाबले को जीता है दाबोलकर पैंथर्स टीम ने। अगला मुकाबला खेला जाएगा पारसेम रॉयल किंग्स वर्सेस बीएससी मानरम चैलेंजर्स। और इस मैच का मैन ऑफ द मैच, वन एंड ओनली 47 विद बैट, समर्थ गॉस इज द मैन ऑफ द मैच। या ठिकाणी या स्पर्धे दरम्यान या स्पर्धेच दुसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक ज्यांनी पुरस्कृत केले ते सन्माननीय संजय दाबोलकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी। या ठिकाणी सन्माननीय दाबोलकर सर उपस्थित आहेत, संजय दाबोलकर या ठिकाणी त्यांच्या शुभ हस्ते या सामन्यातील सामनावीराला गौरवण्यात येते। अतिशय तुफानी फटकेबाजी समर्थ गावसने केली आणि त्याच्या तोडीस तोड फटकेबाजी या ठिकाणी संदेश ठाकूरने केली। गोलंदाजी मध्ये करिश्मा केला संदेश ठाकूरने आणि या सामन्यातील सामनावीराचा मानकरी ठरतोय संदेश ठाकूर। सन्माननीय संजयजी दाबोलकर यांना विनंती करतोय की या सामनावीराला या ठिकाणी पारितोषिक देऊन त्याचा गौरव करायचा आहे।
कुड़ी नशे से चढ़ गई पतंग से लड़। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ले चलते हैं अगले मैच के लिए मैदान पर, जो कि अंपायर का इशारा होता हुआ ओपनिंग जोड़ी मैदान पर दहेश भाटीकर दिखाई देते हुए आज खेमे में। क्रिएटिव सर्कल प्रीमियम क्रिकेट टीम और पारसिम रॉयल किंग्स, इन दोनों के बीच में, और मांद्रेम चैलेंजर्स, इन दोनों के बीच में चलता हुआ यह मैच। मांद्रेम चैलेंजर्स, बीएससी मांद्रेम चैलेंजर्स, और पहली गेंद इस बार फुल टॉस गेंद, हल्के से गेंद को ड्राइव किया, इस बार ऑफ साइड पर कवर पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते एक रन के साथ से रनों का खाता शुरू हुआ मैच का। पारसिम रॉयल किंग्स और बीएससी मांद्रेम चैलेंजर्स, इन दोनों के बीच में चलता हुआ यह मैच। दहेश भाटीकर और दहेश भाटीकर के साथ अनुष, ये जोड़ी मैदान पर पहले ओवर में गेंदबाजी के मोर्चे पर। शकील गेंदबाजी करते हुए अच्छी गेंद, इस बार डीले हाथों से हल्के से गेंद को पुश किया ऑफसाइड पर, और जब तक कवर पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक रन के साथ से दोनों बल्लेबाज एक एक पर अपने व्यक्तिगत, और टोटल स्कोर 2 रन बिना किसी नुकसान से। मैच मैदान पर पारसिम रॉयल किंग्स और बीएससी मांद्रेम चैलेंजर्स। ओ फुल टॉस गेंद, इस बार स्कारलेट बाउंड्री की तरफ गेंद को खेला, एक रन दोनों बल्लेबाजों के बीच में। शकील गेंदबाजी करते हुए पावर प्ले में, 2 ओवर शुरू में पावर प्ले का खेल, 8 ओवर का मैच। पारसिम रॉयल किंग्स और बीएससी मांद्रेम चैलेंजर्स, इन दोनों के बीच में चलता हुआ यह मुकाबला। सुंदर शॉट, कवर ड्राइव का बेहतरीन शॉट, कदमों का इस्तेमाल किया, हाफ वॉली पर लिया और कवर ड्राइव का एक बेहतरीन शॉट। गेंद 4 रन के लिए एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, बाउंड्री लाइन से बाहर। बहुत ही अच्छा शॉट अनुष के बल्ले से, अनुष पहुंचा अपने व्यक्तिगत 5 के योग पर। नॉन स्ट्राइकर रन पर दहेश भाटीकर 2 पर अपने व्यक्तिगत स्कोर पर, और शकील एक बार फिर से अपने बॉलिंग रन अप पर। दूर वाले छोर से अगली गेंद लेकर सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अनुष, बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद, इस बार बिल्कुल काटा बदला गेंद ने, इस बार अपब्रेक गेंद थोड़ी सी कट होकर बाहर की तरफ निकली, उछाल भी थी, अच्छे किस्मत गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया। ओवर पिच गेंद, इस बार खेलना चाहते थे ऑफसाइड पर, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, ओवर की समाप्ति होती हुई पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ। एक और एक ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 7 रन बिना किसी नुकसान से। पारसिम रॉयल किंग्स पहले बल्लेबाजी करती हुई और बीएससी मांद्रेम चैलेंजर्स मैदान पर फील्डिंग करती हुई। दो टीम जो कि लगभग पहुंच चुकी है, आरबी 11 कोरगांव और परशु हरमल, और गेंदबाजी में अब कमेंट्री बॉक्स एंड से रघुनाथ उर्फ भाऊ गेंदबाजी के मोर्चे पर। अच्छा शॉट इस बार ऑनसाइड पर, गैप में खेला हुआ शॉट, मिड विकेट पर फील्डर गेंद को उठाते जब तक फील्ड करते।
रघुनाथ उर्फ भाऊ एक बार फिर से अपने बॉलिंग रन अप पर स्ट्राइक एंड पर अनुष पिछले ओवर में एक बहुत ही कवर ड्राइव का शॉट, बेहतरीन शॉट, और सामना करते हुए अगली गेंद का अच्छा शॉट हाफ वाली पर लेकर एक लेफ्ट हैंड शॉट, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में गेंद निकली, लॉन्ग अप बाउंड्री पर फील्डर मौजूद थे पावर प्ले में और उनके हाथों में सीधी अनुष वापस पहला धक्का लगता हुआ, इसके साथ टीम को पार्सिम रॉयल किंग्स क्रिकेट टीम को दोपहर के सत्र में चलता हुआ मैच और पहला विकेट वापस अनुष के रूप में, व्यक्तिगत 5 रन बनाकर एक चौका लगा चुके थे अनुष, 3 पर अपने व्यक्तिगत दहेश पाटीकर, 5 रन पर वापस अनुष और अनुष की जगह पर नए बल्लेबाज धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मैदान पर किरण, एक बहुत ही बेहतरीन शॉट, इस बार शॉर्ट आर्म पुल का डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद निकलती हुई, बाउंड्री लाइन को पार करती हुई गेंद 4 रन के लिए, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक शॉर्ट गेंद मिले इस बार और दहेश भाटी करके बल्ले से बहुत ही अच्छा शॉट 4 रन के लिए, 7 पर पहुंचे अपने व्यक्तिगत स्कोर, 2 अंकों में पहुंचता हुआ 12 रन पर पहुंचता हुआ 1 विकेट के नुकसान पे, 12 रन 1 विकेट के नुकसान पे। इस बार अच्छी गेंद, गेंद को खेलना चाहते थे ऑफसाइड पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, थोड़ा सा बाहरी किनारा लगा, गेंद निकले स्लिप की तरफ, 1 रन के लिए निकले, जब तक गली पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, बहुत ही अच्छा क्रिकेट दहेश भाटीकर एक ऑलराउंडर खिलाड़ी की हैसियत से जाने जाते हैं, सुंदर शॉट बल्ले के बीचों बीच एक ऑफ ड्राइव का शॉट, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर शकील जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, फिर से 1 रन दोनों बल्लेबाजों के बीच में, अब तक 2 चौके लग चुके हैं पावर प्ले में और अच्छी शुरुआत पार्सिम रॉयल किंग्स क्रिकेट टीम की। अच्छा शॉट, एक का देखना होगा, गेंद हवा में एक हाथ से पकड़ना चाहते थे लेकिन गेंद को कैच करने में असफल रहे और गेंद निकली तब तक फील्डर को बेट करते हुए एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर 4 रन के लिए, लगभग मौका बन सकता था कैच का लेकिन उसके बाद गेंद छूटने के बाद तेज आउटफील्ड ऑफसाइड पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। अठारह पर पहुंचा टोटल स्कोर 1 विकेट पर, पहले ओवर में 7 रन बने, दूसरे ओवर में 11 रन, 1 विकेट मिला रघुनाथ उर्फ भाऊ का, लगभग दूसरा विकेट हो सकता था लेकिन फील्डिंग ने साथ नहीं दिया। 2 ओवर समाप्त हुए गेंदबाजी में, परिवर्तन सामने से साई, साईनाथ इस बार टॉप एज लगा, विकेट कीपर के हाथों में गेंद निकलते हुए एक आराम के साथ आसान सा मौका मिलता हुआ तो विकेट नंबर दूसरा वापस, किरण वापस दूसरे विकेट के रूप में, दहेश भाटीकर अभी भी मैदान पर 2 चौके लगाते हुए 12 पर अपने व्यक्तिगत, आउट होकर वापस किरण 1 रन के स्कोर पर और किरण के आउट होने के बाद संकट मोचक उनके टीम के बल्लेबाज मैदान की ओर कदम बढ़ाते हुए राम नागवेकर नए बल्लेबाज जो कि मैदान पर राम नागवेकर, एक बिल्कुल कई मैचों में लंबा अनुभव क्रिकेट का और कई मैचों में विपरीत स्थितियों में अपने टीम को बिल्कुल संभाला इस बल्लेबाज ने, कभी विकेट कीपर, कभी लॉन्ग ऑफ पर, कभी लॉन्ग ऑन पर, और पेस गेंद एक अच्छा शॉट ऑन साइड पर मिड विकेट बाउंड्री पर, लेकिन बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, अच्छा पूर्वानुमान मिड विकेट बाउंड्री पर और लगभग कम से कम 3 रन बचाए, 1 रन मिला स्कोर के खाते में और इस 1 रन के साथ से 19 लॉस ऑफ 2 विकेट। राम स्ट्राइक पर अब
सामना करेंगे साईनाथ की गेंदबाजी का। दूर दूर जमाए गए फील्ड पावर प्ले के समाप्ति के बाद हल्के से गेंद को ढीले हाथों से खेला, जब तक फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते एक रन पूरा किया। आज मनोज नार्वेकर ने एक बड़ी इनिंग खेली, समर्थ गावस ने एक अच्छी इनिंग खेली, संदेश ठाकुर ने बिल्कुल कमाल की। और शफल होकर खेला इस बार फाइन लेग की तरफ, फाइन लेग पर शॉर्ट, फाइन लेग पर फील्डर मौजूद, एक रन स्कोर के खाते में। तीनों बल्लेबाजों ने आज काफी अच्छी बल्लेबाजी की, मनोज नार्वेकर, समर्थ गावस और संदेश ठाकुर। शॉर्ट पिच गेंद इस बार पुल करना चाहते थे लेकिन गेंद के पिच पर नहीं थी, थोड़ी सी ज्यादा उछाल ली गेंद ने और गेंद निकलती हुई विकेट कीपर अमोल के हाथों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से सही गेंदबाजी करते हुए सामने से। फुल टॉस गेंद इस बार, बड़ा शॉट मिड विकेट बाउंड्री पर, राम के बल्ले से गेंद मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, छह रन के लिए। स्कोर टोटल 27 27 रन दो विकेट के नुकसान पे, 9 रन प्रति ओवर बनाती हुई परसेम रॉयल किंग्स क्रिकेट टीम मुकाबला मैदान पर बीएससी मानद्रेम चैलेंजर्स क्रिकेट टीम के साथ। गेंदबाजी में और एक परिवर्तन, कमेंट्री बॉक्स एंड से सामने दयेश भाटीकर, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर कमेंट्री बॉक्स के सामने शकील, बेहतरीन प्रदर्शन इस पेडनेम प्रीमियर लीग में। और गेंदबाजी के मोर्चे पर राजेश, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थोड़ी सी नीची रही, बल्ला घुमाया लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं था, अपने जगह पर थोड़ा सा खड़े खड़े मारना चाहते थे ऑफ स्टंप पर, इस ऑफ साइड पर गेंद को, ऑफ साइड पर एक एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर है, एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर है। और राजेश एक बार फिर से अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग रनअप पर, सामने दयेश भाटीकर। इस बार स्वीप करना चाहते थे, उतना अच्छा टाइमिंग नहीं था, गेंद विकेट कीपर के पीछे चली गई, शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर गेंद को जब तक फील्ड करते एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक रन के साथ से स्कोर बढ़ता हुआ 28-28 रन, ओवर चलता हुआ चौथा, चार ओवर इस ओवर के बाद अभी भी बाकी, जिसमें एक फील्डिंग चॉइस पावर प्ले का ध्रुव ओवर बाकी। और सामने स्ट्राइक एंड पर राम सामना करते हुए अगली गेंद का, रिवर्स का प्रयास इस बार, गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा, एक रन मिला स्कोर के खाते में। परसेम रॉयल किंग्स पहले बल्लेबाजी करते हुए, और इस बार बेमिसाइल टाइमिंग, रिवर्स का शॉट डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद निकलते हुए, चार रन के लिए। आपका और एक बार फिर से राजेश, ओवर पिच गया ना, लेफ्ट शॉट बहुत ही अच्छा शॉट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री और लॉन्ग ऑफ के बीच में से गेंद बाउंड्री लाइन को पार करते हुए चार रन के लिए।
स्टेटमेंट, एक लेफ्ट हैंड शॉट जो बिल्कुल बड़ा गैप था उसमें से प्लेस किया गया इनको राम ने, और दो अच्छे शॉट के बाद एक बार फिर से स्ट्राइक इन पर सामना करते हुए अगली गेंद का अच्छा क्रिकेट। दो बड़े शॉट के बाद ढीले हाथों से स्टीयर के गेंद को कवर पॉइंट पर, फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन पर। धीरज पालेकर हमारे साथ बिल्कुल बेहतरीन स्कोरिंग की जानकारी देते हुए 38 रन 38 दो विकेट के नुकसान पे। फुल टॉस गेन आगे निकलकर खेला, इस बार पहला रन बड़ी तेजी के साथ, दूसरे रन के लिए हा ना कर रहे थे, आखिरकार सही फैसला, अपने बढ़ते कदमों को वापस कर खींच लिया दोनों बल्लेबाजों ने। एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर गेंद को फील्ड कर रहे थे और एक ही रन मिलता हुआ स्कोर के खाते में। इस एक रन के साथ से स्कोर टोटल पहुंचता हुआ जो कि 39 39 रन दो विकेट के नुकसान पे। खेल जो कि टोटल इसी के साथ समाप्त होता हुआ चौथे ओवर का। डीजे कमेंट्री बॉक्स की तरफ से ध्रुव ओवर का इशारा, सामने स्ट्राइक पर दयेश भाटीकर, टोटल स्कोर 39। शकील बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल लेग ब्रेक गेंद, लेग कटर ऑफ स्टंप पे टिप्पा खाने के बाद कट होकर बाहर की तरफ निकली, उछाल भी थी गेंद में और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। शकील दूर वाले चोर से ध्रुव ओवर, इस बार शॉर्ट गेंद, मौका मिला बल्लेबाज को हाथ खोलने का और इस बार अच्छा शॉट ऑन साइड पर स्क्वायर लेग बाउंड्री पर 4 रन के लिए। चार रन मिले स्कोर के खाते में। और पिच के इस बार अप ड्राइव का शॉट, लेकिन मिड ऑफ पर फील्डर तैनात, एक ही रन मिलेगा स्कोर के खाते में। परसिम रॉयल किंग्स पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकाबला मैदान पर, बीएससी मंदरिम चैलेंजर्स क्रिकेट टीम के साथ, और इस एक रन के साथ से स्कोर पहुंचा 44 44 रन। ओवर चलता हुआ पांचवा, अब तुम से छोड़ा गेंद को, देखा जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में, एक तेज गेंद थी शकील की, सीधी विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई। पिछले मैच में धोंडू तुळसकर ने बहुत ही अच्छा ध्रुव ओवर किया था, दो शॉट आखिर में संदेश ठाकुर ने लगाए लेकिन लगातार चार गेंदे, बहुत अच्छी गेंदबाजी की, अच्छा शॉट ऑफ साइड पर लेकिन कवर पर फील्डर, थोड़ा सा गति में परिवर्तन शकील का, अच्छी गेंदबाजी, एक चौका लगा इस ध्रुव ओवर में लेकिन उसके बाद अच्छी लाइन पर बिल्कुल बांध कर रखा बल्लेबाज को। शॉट पिच गेंद, इस बार शॉट ऑन पुल का शॉट, गेंद निकलते हुए लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, गेंद बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए।
पर फील्डर के पास गेंद, एक रन के लिए निकले ओवरथ्रो, थोड़ा सा शायद ओवरथ्रो भी मैं नहीं कहूंगा क्योंकि कलेक्ट करते हुए गेंदबाज थोड़े से जो कि गलती कर बैठे, बैकअप कर रहे थे जब तक फील्डर, और सिंगल के साथ दूसरा रन जो कि बनाते हुए दो रन मिले स्कोर में, और इन दो रन के साथ से परसिम रॉयल किंग्स 50 रन पूरे हुए दो विकेट के नुकसान पे, और बहुत ही बेहतरीन शॉट स्लॉग से का दयेश वाटिकर के बल्ले से गेंद फाइन लेग बाउंड्री की तरफ निकलते हुए 4 रन के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट दयेश वाटिकर बल्लेबाजी में, और इस बार रिवर्स का शॉट, टाइमिंग में मिसाल, कोई मौका नहीं पॉइंट बाउंड्री पर, गेंद 4 रन के लिए, गेंद कवर पॉइंट बाउंड्री पर। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, एक रन मिला स्कोर के खाते में, लगातार दो बड़े शॉट निकले, थोड़ा सा प्रेशर आ गया गेंदबाजी पर, साइनाथ राउंड विकेट, और इस बार कवर करके खेलना चाहते थे, चूके पूरी तरह से गेंद के लाइन से, अपने फॉलो थ्रो में एक बार फिर से धीरे धीरे गेंदबाजी करने के लिए। छठा ओवर, इस ओवर के बाद 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी, 31 पर अपने आगे निकले इस बार मिड विकेट बाउंड्री पर, और जब तक पहले बाउंस के बाद गेंद को उठाते फील्ड करते, साथ दे रहे थे लंगन बाउंड्री के फील्डर, 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। इकसठ रन टोटल स्कोर। रिवर्स का प्रयास, इस बार अच्छा टाइमिंग, गैप में खेला हुआ शॉट, फील्डर गेंद के पीछे, एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, और जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में, 2 रन पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने। इन 2 रन के साथ से खेल टोटल जो कि पहुंचता हुआ स्कोर बोर्ड पर 63 रन, 63 दो विकेट के नुकसान पे। स्कोरबोर्ड पर टोटल स्कोर 63 63 रन, 6 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद। दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन दिखाई देता हुआ, और एक थोड़ा सा वार्म अप करते हुए गेंदबाज, और सामने राम जो कि स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइकर इन पर दयेश वाटिकर, गोपाल गेंदबाजी के मोर्चे पर, 35 पर दयेश वाटिकर, बड़ा शॉट राम के बल्ले से मिड विकेट बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, डीप मिड विकेट से मारेका से बाहर गेंद, 6 रन के लिए। दूसरा बड़ा छक्का राम के बल्ले से, इस बार छोड़ा गेंद को, जाने दिया ऑफ स्टंप पर, ये गेंद, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से, 69 लॉस ऑफ 2 विकेट, दूसरा विकेट 18 पर गिर चुका था, और ये बड़ी साझेदारी तीसरे विकेट के बीच में। इस बार विकेट कीपर से गेंद निकली, देखना होगा, बहुत ही करीबी मामला, अगर गेंद स्टंपों पे लगती तो 1 रन 22 के साथ जुड़ता हुआ टीम के स्कोर के खाते में, 70 पर पहुंचा टोटल स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे।
52 रनों की साझेदारी तीसरे विकेट के बीच में। 26 पर अपने व्यक्तिगत राम नॉन स्ट्राइकर इन पर और स्ट्राइक पर दयेश भाटीकर। और इस बार शफल होकर खेलना चाहते थे फाइनल लेग पर, क्लीन बोल्ड हुए, तीसरा विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ। नए बल्लेबाज अमित नाइक मैदान पर कदम बढ़ाते हुए, लेकिन एक शानदार इनिंग दयेश भाटीकर की। तालियां तो जरूर होगी पारसेम रॉयल किंग्स के क्रिकेट टीम की ओर से उनके बल्लेबाजी के लिए। पैंतीस रन की बल्लेबाजी, 5 चौके लगाए 35 रनों में दयेश भाटीकर ने, 35 रन अपने व्यक्तिगत, 5 चौकों की मदद से। और नए बल्लेबाज अमित नाइक मैदान पर। 7वां ओवर जारी, इस ओवर के बाद एक ओवर का खेल अभी भी बाकी। पेस गेने के लिए शॉट मिड विकेट पर से शायद बिल्कुल छलांग लगाई थी, लेकिन गेंद काफी ऊपर से निकली 6 रन के लिए। इस बार फिर से उड़ाया फाइनल लेग बाउंड्री पर, दूसरा छक्का अमित नाइक के बल्ले से 6 रन के लिए। रघुनाथ उर्फ बाबू इस अंतिम ओवर में, और सामने राम और नॉन सेकंड इन पर अमित। और इस बार ये गेंद लेग ब्रेक गेंद, फ्लैटेड गेंद खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर गेंद निकली, बल्ले गेंद में संपर्क नहीं, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई। टोटल स्कोर 82। अच्छा शॉट ऑन साइड पर, देखना होगा पहला रन बड़े तेजी के साथ और एक ही रन पर संतुष्ट हुए दोनों बल्लेबाज। राम शायद सामने से अमित नाइक को ज्यादा मौका दे रहे, 2 छक्के लगा चुके हैं 12 पर अपने व्यक्तिगत, और टोटल स्कोर 83, 83 रन 3 विकेट के नुकसान पे, 83 लॉस ऑफ 3 विकेट। ओ अच्छी गेंद रघुनाथ, बहुत ही अच्छी गेंद, लेग ब्रेक गेंद, फ्लाइटेड गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, जगह पर खड़े खड़े मारना चाहते थे, लेकिन अच्छी गेंदबाजी रघुनाथ की इस अंतिम ओवर में। फिर से डॉट गेंद, देखना होगा विकेट कीपर के पीछे निकली गेंद, 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। शॉट फाइनल लेग पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते 1 रन मिला स्कोर में, इस 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 84, 84 रन 3 विकेट पर। अंतिम ओवर चलता हुआ रघुनाथ गेंदबाजी करते हुए, बढ़िया शॉट इस बार ऑफ साइड पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, गेंद के आने का इंतजार किया, बैकफुट पर जाकर बल्ले के बीचों बीच एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर एक शानदार शॉट, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए।
33 पर अपने व्यक्तिगत 33 रन पर अपने व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए इस बार खेला। गेंद को ऑफसाइड पर, लॉन्ग अप बाउंड्री पर, शकील जब तक आते गेंद को उठाते थोड़े से फिस लेते जरूर, लेकिन एक ही रन मिलता हुआ स्कोर के खाते में। तो इस एक रन के साथ से टोटल पहले इनिंग का खेल समाप्त हुआ। 8 ओवर का परसिम रॉयल किंग्स पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार शुरुआत की थी। दयेश भाटीकर ने 35 रन बनाए, राम नागवेकर ने एक नॉट आउट इनिंग खेली जो कि अपनी टीम के लिए 34 रन बनाए। टोटल स्कोर 91 रन, 92 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए बीएससी मानरेन चैलेंजर्स क्रिकेट टीम को। क्या होगा दूसरी इनिंग में, किस तरह से बल्लेबाजी हुई, किस तरह से जो कि गेंदबाजी होगी, ले चलते कॉमेंट्री बॉक्स में। आइए सर जय भोसले के साथ। हेलो सरफराज, कृपया जल्द से जल्द संपर्क करें। सरफराज सरफराज उर्फ चप्पू, किंग्स ने मानरेम चैलेंजर्स के सामने और प्रारंभिक जोड़ी मैदान के अंदर राजेश और अमोल, गेंदबाजी के लिए प्रसाद भगत।
पहली गेंद हवा में जरूर, गेंद के नीचे खिलाड़ी और आउट। पहली गेंद के ऊपर सफलता हासिल कर दिए बंडे भगत ने। नए बल्लेबाज गोपाल मैदान के अंदर। अच्छी गेंद सनबाट कर दिया, हल्के हाथों से खेल दिया, खुद का खाता खोला, बयान और रनों का बड़ा पीछा करना है। इस मुकाबले की अहमियत देखा जाए तो अपने अभियान का इस मुकाबले से विजय के साथ समाप्त करना दोनों टीमों का इरादा होगा। वैसा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा टेबल पॉइंट्स में इस मुकाबले के दौरान। इस बार हवा में गेंद, लेकिन एक ही रन निश्चित रूप से मिलेगा अमित वहां पर जब तक गेंद को फील्ड करे, और एक सिंगल जो कि सिंगल के साथ टोटल तीन रन, दो रन स्कोरबोर्ड पर, एक विकेट के नुकसान पर। आज दयेश भाटेकर नजर आ रहे हैं, साथ साथ अमित नहीं गए टीम में मौजूद। दयेश भाटेकर ने काफी प्रभावित कर दिया, 35 रनों के यादगार पारी, जानदार पारी खेली। इस बार बैक टू द बॉलर का स्ट्रोक, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर, यानी कि विकेट के पीछे एक शानदार विकेट कीपिंग का दायित्व तो निभाते हैं, गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी करते हैं दयेश भाटेकर, जो कि एक बट्टू के नाम से जाना जाता है, ऑलराउंडर खिलाड़ी। अच्छी गेंद, बल्लेबाज को देखा, यहाँ पर यहाँ से वहां से चहलकदमी करते हुए तो गेंद को अब सीधा रखा, सीधा विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। इस बार हवा में उठा कर खेला है, फिर एक बार हवा में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी और एक विकेट, और गोपाल आउट होकर पहल में वापस। पहला ओवर समाप्त, दो रन दो विकेट चटकाई बंडे भगत ने, और गेंदबाजी के लिए ऋषिकेश। इस बार आड़े बल्ले के साथ खेलना चाहिए, जमीन के सहारे के अलावा स्ट्रोक सिंगल जरूर मिलेगा वहां पर, ज्यादा रन तो बनाने पड़ेंगे, लेकिन इस खाली औपचारिकता बाकी इस मुकाबले के दौरान दोनों टीमों के लिए, ज्यादा कुछ इस मुकाबले में नहीं, लेकिन शायद एक इस मौसम की शुरुआत जो कि ऑप्शन से बाहर, काफी बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, अतिरिक्त रन और अतिरिक्त रन के साथ टोटल पहुंचा अब तीन रन। अगला मुकाबला तुम ब्लैक टाइगर्स वर्सेस क्रिएटिव सर्कल पेयर नेम, तुम ब्लैक टाइगर्स वर्सेस क्रिएटिव सर्कल पेयर नेम, एक बहुत ही बड़ा मुकाबला। दोनों टीमों के कप्तान अपने खिलाड़ियों के साथ अगले मुकाबले के लिए तैयार है,
कट करना चाह, पीछा करना चाह, शानदार गेंदबाज है ऋषिकेश द्वारा। शकील जैसे बल्लेबाज को चकमा देना उतना आसान नहीं, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी। अच्छी गेंद, चॉप करना चाह, क्या बेहतरीन गेंदबाजी, युवा गेंदबाज, काफी अच्छी गेंदबाजी। शकील एक आक्रामक ढांचे के बल्लेबाज है, लेकिन उनसे दूर, उनसे शायद उनको भी परखने में नाकामयाबी यहां पर हुई है इन गेंदबाजी की। फिर एक बार बेहतरीन गेंद, लाजवाब गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी। फिर एक बार ऋषिकेश, फिर एक बार गेंद, ओवर समाप्त होता हुआ दूसरा, दो ओवरों का खेल समाप्त, चार रन दो विकेट के नुकसान पर। दयेश बाटीकर पहली गेंद के ऊपर अमोल को चलता कर दिया। अगर किसी की धुन सवार है जी, जिसकी आस में हुई सुबह से। विष्णु नए बल्लेबाज मैदान के अंदर, दयेश भाटीकर। अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी, खींचा था बल्लेबाज को आगे, लेकिन शानदार। देश की गेंद, लाजवाब गेंदबाजी। ब्लैक टाइगर्स टू एम आणि पेनम लास्ट कॉल दोघे टीम मशे उपाय अल्कोहोल टेस्टिक। धन्यवाद संजो। देश वाटीकर फिर एक बार गेंदबाजी के लिए, फुल टाइम डिलीवरी, शानदार स्ट्रोक, जमीन के सहारे खेला, तेजी के साथ आए खिलाड़ी गेंद के ऊपर और एक सिंगल खाते में जुड़ता। पांच रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, तीन विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद, अलका आतो से खेलते हुए।
बार खेल दिया है घूमकर गेंद तो सीमा रेखा पार चली गई चार रन के लिए। शकील के बल्ले से निकलता हुआ एक चौका और समाप्त। गेंदबाजी के लिए लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज विष्णु स्ट्राइक के ऊपर नष्ट गेंद के ऊपर शकील एक चौका शकील के बल्ले से अभी अभी निकला दयेश भाटीकर के आखिरी गेंद के ऊपर 92 रनों का एक बड़ा टोटल पार करना है। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेल दिया सिंगल जरूर वहां पर मिलेगा। सिंगल के साथ अब रन संख्या में बदलाव 10 रन स्कोर बोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर एक बड़े टोटल का पीछा करते वक्त 92 रनों का पीछा करते वक्त शायद ऐसी बल्लेबाजी का पहले दिन की होती तो शायद बाहर से टीम के खेमे में जोश भरा वातावरण देखने को मिलता शायद इस प्रतियोगिता में उनका आह्वान जीवित रहता। फुल टॉस डिलीवर है मेरे कट के सर के ऊपर से गेंद का लाजवाब कैच बेहतरीन कैच लपका जरूर लेकिन ये तो सीमा रेखा को टच कर बैठे 6 रन। लेकिन कैच की तारीफ करनी पड़ेगी खिलाड़ी की तारीफ करनी पड़ेगी अमर देसाई बेहतरीन एफर्ट था वहां पर। फिर एक बार अच्छी गेंदबाजी टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तड़प निकली 16 रन स्कोरबोर्ड पर। यार कलिंग की गेंद इस बार खेल दिया कवर के दिशा में खिलाड़ी वहां पर तैनात गेंद को जब तक फील्ड करे अमित तब तक एक सिंगल मात्र मिलता हुआ सिंगल के साथ टोटल जो कि 17 रन स्कोरबोर्ड पर। हल्के हाथों से फिर एक बार खेला इसे रन आउट का खतरा था पहले प्रयास में गेंद अगर हाथ में रुक जाती तो शायद बात बन सकती थी एक रन और खाते में जुड़ता हुआ और एक रन के साथ टोटल में बदलाव जो कि 18 रन स्कोर बोर्ड पर। अगला मुकाबला हाई वोल्टेज ड्रामा रहेगा